कि होली आके बिहान काहे लगी आइला बलम जी। पुआ भी बासी फुलौड़ी भी बासी, बासी है जो बना हमार। तो अगर आज ट्रेन चाहते तो होली के कल होके पहुंचते, तो शिकायत सुनना पड़ता घर पे। इस तरह की गाना पत्नी उनकी गाती, नाराज हो जाती, क्योंकि जिनको होली में घर जाना था वो लदा के सवार होके चल गए। अब जो चल गए हैं, अगर आज जाते ट्रेन में बैठते तो होली के बाद पहुंचते। अभी एक कमेंट है कि 11 बजे के बाद कौन जाता है, तो हम लोग जिस दिन पहले दिन आए थे 4 बजे बाबू, उस दिन 4 बजे सुबह का दिखाए थे और पूरे स्टेशन में भीड़ थी, धक्का मुक्की दौड़म भाग, गोदी में बच्चा लेकर के लोग दौड़ रहा था। जो डर गया, कुछ लोग घर गया, अब बाकी लोग होली मनाने चल गया। नमस्कार, जुड़िए जरा, अभी चेन्नई रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये, और कुछ दिखाना है आप लोगों को यहाँ पे। तो बताया जा रहा कि आदमी ठूस ठूस के जा रहा है, हम लोग भी चला थे पहले दिन, लेकिन आज तो पूरा खाली खाली है स्टेशन। आज पूरी पूरा स्टेशन खाली है। खाली इसलिए है क्योंकि जिनको होली में घर जाना था वो लदा के सवार होके चल गए। अब जो चल गए हैं, अगर आज जाते ट्रेन में बैठते तो होली के बाद पहुंचते, इसलिए स्टेशन पूरा खाली। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है, ये देखिए, ये चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर हम लोग पहले दिन भी दिखाए थे कि जब कल परसों हम आए थे तो बहुत भीड़ थी, क्योंकि उस समय जो भी लोग जा रहे थे बिहार, यूपी, झारखंड, तो वो होली में पहुंच जाते। लेकिन आज अगर ये लोग ट्रेन में बैठते तो होली के बाद पहुंचते। तो हाँ, उधर पूरा खाली है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये सच्चाई है कि लोग ठूस ठूस के गए, ये सच्चाई है। लेकिन गए, इसके पीछे वजह ये थी कि वो लोग होली में अपना घर जाना चाह रहे थे और गए। अगर आज ट्रेन में बैठते तो घर पहुंचते लेट से। इधर 3-4 लगातार प्लेटफॉर्म सामने सब खाली है, पड़ा है, सब पूरा खाली, आदमी नहीं है। मतलब कि जो भी लोग जा रहे थे ठेंच ठेंच के, भर भर के, वो लोग जो होली में घर जाना चाह रहे थे मजदूर, वो लोग थे। 10 से कोई नहीं जा रहा था। तो फिर आज अगर जाते तो होली के बाद पहुंचते तो बीवी नाराज हो जाती। हाँ, तो गाना गाती होलिया के बिहान काहे लगी है बलम जी। आप गाना गाइए जरा। हाँ, आप गाइए गाना। होली गाना है बिहार तरफ कि होली के बाद पति पहुंचता है पत्नी के यहाँ, तो पत्नी गुस्साई होती है, थोड़ा नाराज होती है, तो गाना गाती है कि होली आके बिहान काहे लगी आइला बलम जी। पुआ भी बासी फुलौड़ी भी बासी, बासी है जो बना हमार। होली आके बिहान काहे लगी आइला बलम जी। तो अगर आज ट्रेन चाहते तो होली के कल होके पहुंचते, तो शिकायत सुनना पड़ता घर पे। इस तरह की गाना पत्नी उनकी गाती, नाराज हो जाती, बुतरू बाल नाराज हो जाता कि पापा देर से आए, पापा देर से आए। तो ये वजह है। तो एक हम क्षेत्रीय जो भाषा है, जो संस्कृति है, उस लहजे में हम बताए कि होली के बाद जाने से पत्नी नाराज हो जाती, तो इस तरह का गाना गाती। तो जो लोग थे निकल लिए जिनको जाना था, अब होली के बाद, वो होली के बाद यही बहुत भीड़ दिखेगी। होली के बाद सब जो लोग गए आने, सब लोग आए। अच्छा, एक कमेंट आया है कि आप भी होली मनाते हैं। ना, हम नहीं मनाते हैं दोस्त, होली हम नहीं मनाते हैं, क्योंकि होली का दहन होता तो एक महिला को जलाने की परंपरा को हम उचित नहीं मानते कि किसी भी महिला को प्रतीक दिखाने का। ये संदर्भ है कि होली के समय पर लोग घर जा रहे थे, यहाँ से कोई भाग नहीं रहा था चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और अभी देखिए कि अभी तो कुछ ही दिन हुआ, वीडियो अभी वायरल हुए, जांच भी चल रहा है, रिपोर्ट भी नहीं आया है कि लोग संतुष्ट हो जाएंगे, फिर भी शांति है। देखिए, कुछ लोग पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मीडिया के इथिक्स क्या है, सेंसिटिव मुद्दों पर किस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ऐसे में कुछ लोग पे मुकदमा हो जाता है, हो भी गया है। तो जब मामला सेंसिटिव हो, बहुत संवेदनशील हो, हमारी एक रिपोर्टिंग से मामला बिगड़ सकता है। हाँ, दो पक्षों में, दो राज्यों में, अलग अलग संप्रदायों में हिंसा हो सकती है। तो ऐसे में हमें संभल के पत्रकारिता करनी होती है। वहाँ न जाति, धर्म, न क्षेत्र का जिक्र किया जाता है उस तरह से। अभी एक कमेंट है कि 11 बजे के बाद कौन जाता है, तो हम लोग जिस दिन पहले दिन आए थे 4 बजे बाबू,
उस दिन 4 बजे सुबह का दिखाए थे और पूरे स्टेशन में भीड़ थी, धक्का मुक्की दौड़ भाग, गोदी में बच्चा लेकर के लोग दौड़ रहा था। जो डर गया, कुछ लोग घर गया और बाकी लोग होली मनाने चल गया। अभी आप चेन्नई में 2-4 दिन रहे, हिंदी बोलने पर भोजपुरी गाना गा रहे दोस्त, हम लोग स्टेशन पे अकेले हैं, हम हैं और ये हैं, दोनों जोरे घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले, कोई पुलिस न सिपाही न कुछ, अकेले हैं यहाँ चेन्नई, देखो पूरा खाली है, यहाँ के लोकल लोग तो यहीं होंगे, तो हमको डर लगना चाहिए था, इसलिए हम बोल रहे हैं। जब हम शुरू में आए यहाँ एयरपोर्ट पे उतरे, उसके बाद हमको भी एक लग रहा था कहीं दिक्कत है तो नहीं, कहीं किसी को भी लगेगा, जिस तरह का माहौल बनाया गया था कि चेन्नई मतलब तमिलनाडु घुसने के साथ बिहारी और यूपी और झारखंड वालों के साथ दिक्कत है, तो हमें भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो चेन्नई के लोग जो आ रहे थे, मतलब तमिलनाडु के लोग जो ऑटो के लिए आ रहे थे, टैक्सी के लिए आ रहे थे, उनको सीधे मना करें, हम ओला किए और ओला चूँकि विश्वसनीय चीज़ है, उसको तो पहुँचाना ही है, ओला में काम करना है, तो हम ओला में किए कि स्थानीय लोग की टैक्सी में उसके नहीं जाना, जहाँ भी जाना, लेकिन वो डर खत्म हो गया, मतलब डर इस तरह का था कि कहीं ऐसा है तो नहीं, पूरा डरते तब आते ही नहीं, लेकिन संभल के करना होता है, ऐसा नहीं कि हुआ हुआ में चल जाइए और चल जाइएगा और चल जाता है, कहीं ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो तब हम ना रहते, ना दिखा पाते, ना बोल पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो है वो भ्रम है, वीडियो वायरल हुआ उससे लोग डरा है, ये बात सही है कि लोग डर गए, लेकिन हम जिस तरह की खबर चला रहे हैं, हम जिस तरह यहाँ दिख रहे हैं, कहाँ डर, हिंदी बोल रहे हैं, तब से आपसे हिंदी में ही हम बात कर रहे हैं, और हिंदी बोलता है तमिलनाडु में हिंदी से दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, हम तो हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी में गाना भी गाया, एक वो हमारे मुर्गन जी कितना अच्छा गाना गाया, तो इस तरह से हम यही देख पाते हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हम जो देख पाए हैं अभी तक, समझ पाए हैं, वो यही है कि लोग होली के लिए यहाँ से जा रहे थे, जो भीड़ थी, और डर के मामले में जो कुछ है वो वीडियो से लोग डरा है। चिराग पासवान के सामने भी एक बच्चा बोल रहा था कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, हम उसको पूछे कि तुम देखा है जी, चिराग पासवान के सामने, तो बोला हाँ हाँ हम देखे, बोले कहाँ देखा तुम बताओ, सामने देखे हो, आँखों आँख से देखे हो, बोला नहीं वीडियो, तो वीडियो देख के डरा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं डरा, तो हम लोग जिस तरह से आए हैं, घूम रहे हैं, अभी देखिए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में है, कल कोयम्बटूर में होंगे, तिरुपुर में होंगे, कल आसपास में है दोनों जगह, तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी घूमेंगे, अगर दिक्कत होगी वहाँ तो हम बताएंगे, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, चेन्नई में हम दिखा दी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर तिरुपुर में दिक्कत होगा, दिक्कत होगी या फिर कोयम्बटूर में दिक्कत होगी तो वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम बेईमानी करेंगे, हम किसी के पक्ष में कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के विरोध में, एक्चुअल जो है जो सच्चाई है वो दिखाने आए हैं और वही दिखाएंगे, अगर दिक्कत होगी तो हम बिहारी भाइयों के लिए, अगर दिक्कत की बात होगी वहाँ तो हम बताएंगे कि हमारे बिहार की जो भाई लोग हैं वो संकट में है, यूपी के भाई संकट में है या झारखंड के भाई, तो अभी फिलहाल चेन्नई में कोई दिक्कत नहीं, हम तो अकेले घूमते ऐसे घूमते, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी बात करते हैं, हाँ, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आपको हर चीज़ जो एक्चुअल होगा, जो सच्चाई होगी वही दिखाएंगे, यहाँ पर हम दिखाए कि पूरा स्टेशन खाली, खाली इसलिए क्योंकि होली वाले सब चले गए, जिनको जाना था, और कुछ लोग डर गए तो वो भी चले गए, लेकिन अगर डरने वाले खूब होते तो आज भी लाइन लगा रहता, आज भी होते, क्योंकि हम लोग को चेन्नई में बहुत लोग मिला, तो आज भी होते, बहुत लोग बोला, सब लोग बोला कि हम वीडियो देखते, अलग अलग फैक्ट्री में हम लोग गए, कहीं पूरा लेबर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में भी गया, बहुत 8-9 वीडियो अभी रखा हो, बाहर आने के बाद सबसे साथ ज़्यादा दिक्कत हम लोग के साथ होता है इंटरनेट का प्रॉब्लम, इंटरनेट नहीं होने की वजह से फोटो तो नहीं तुरंत अपलोड होते, वीडियो 8-9 वीडियो है जो फैक्ट्री में गए, लोगों से बात किए, अलग अलग जगह में फैक्ट्री जा के हम लोगों से बात की, तो देखते रहे वीडियो हमारा, हम एकदम बिहारी लोगों से आपको मिलाएंगे, यूपी वाले से मिलाएंगे, झारखंड वाले से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चेन्नई में दिक्कत नहीं है, वो सारा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, शुक्रिया, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जय भीम जय भारत।